हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम डे 13 करने जा रहे हैं होमवर्क सीरीज का। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था, तो आई थिंक आप लोग को वो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब पहले हम देख लेते हैं लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था 12th टॉपिक में। तो क्वेश्चन था, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन था सुनील चंद्र, सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर है सुशील चंद्रा। जो राइट आंसर दिया है जतिन सिंह एंड प्रमोद कुमार जी ने। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आज आप पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें आप महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब आज आप पढ़ेंगे 1885 से 1907 तक, पेज नंबर 46। 1907 तक क्या हुआ ये आप इसमें आज देखेंगे। फिर हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आज आपको पढ़ना है विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार और मैदान, पेज नंबर 74 एंड 75। इसमें आप पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे और मैदान को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में है भारतीय संसद, जिसमें संसद को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति पहले ही पढ़ लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आज आप पढ़ेंगे इसमें राज्यसभा, पेज नंबर 173 एंड 174। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आज आप देख लेंगे कि राज्यसभा में अधिक से अधिक कितनी संख्या होनी चाहिए, किस राज्य में कितना सीट है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, कभी भंग होता है या नहीं होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, ये सारी चीज़ें आज आप इसमें देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आज आप पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, पेज नंबर 204, ठीक है। इसमें सरल आवर्त गति में आवर्त गति, दोलन गति, उसकी विशेषताएं, सरल आवर्त गति की फिर निष्कर्ष, ये आप इतना देख लेंगे। आज बायो में हम चैप्टर टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं पादपों का वर्गीकरण, पेज नंबर 252 टू 254। ये टॉपिक थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इसे दो दिन इसका मतलब आप लोगों को होमवर्क में दिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन का, जिसमें आज आप पढ़ेंगे विश्व एक दर्शन। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें चूज करके दिए गए हुए हैं, वन लाइनर में है, प्लीज़ इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये आपका पेज नंबर है 21 एंड 22। फिर आप पढ़ेंगे एक स्टेट, जिसमें आज आपको करना है उत्तराखंड, पेज नंबर है 134। और फिर आप टेन सेट करते हैं। सेट में आज आपको करना है 111 टू 120, पेज नंबर 223 टू 224। क्लियर। उसके बाद है थर्ड होमवर्क हम करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान से, जिसमें आज आप पढ़ेंगे आरआरबी में, पेज नंबर 56 टू 60। और फिर हम देखेंगे इसका सेकेंड होमवर्क जो है पेज जीव विज्ञान, पेज नंबर 143 एंड 144। इसका वन लाइनर में एक तरह का शॉर्ट नोट्स आपके लोगों के लिए दे रखा है। इसका हम दो पेज पहले कर चुके हैं, आज हम फिर दो पेज करेंगे तो इसका वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे आप टेस्ट पेपर 19, 20, 21 एंड 22 कर लेंगे। फिर हम विज्ञान में करेंगे आज 7 मॉडल सेट जो है 81 टू 86, पेज नंबर 201 एंड 203 तक, ओके। नेक्स्ट होमवर्क आते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में, जिसमें आज आपको पढ़ना है पॉलिटी में मूल अधिकार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से इस बुक में समझाया गया हुआ है। तो मौलिक अधिकार का हम लोगों ने पहला पेज कर लिया था, आज आप सेकेंड पेज करेंगे। फिर हम आते हैं इंडियन जियोग्राफी पेज, जिसमें आज आप पढ़ेंगे जैव विविधता। विविधता ये भी आपका पेज नंबर 14 ही है। इसको मैप से समझाया गया है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप मैप से अगर कोई जियोग्राफी अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। और यहाँ मैप देख करके भी बहुत सारे चैप्टर्स को समझाया गया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों को मिलता है इस बुक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, जिसमें आज आपको पढ़ना है घाटियां एवं पठार, पेज नंबर है 64। इसमें आप विश्व के प्रमुख पठार और विश्व की प्रमुख घाटियां देखेंगे, ओके। फिर हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आज आपको पढ़ना है विद्युत धारा, इसका भी पेज नंबर है 14, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आज आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, पेज नंबर है 34। इसमें आप रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम को देखेंगे। फिर आते हैं बायो पे। बायो में आज आप पढ़ेंगे पाचन तंत्र, पेज नंबर 55। इसके बाद हम आते हैं, अब हम हिस्ट्री का तीनों लेकर चल रहे हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट हिस्ट्री में आज आप देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व, पेज नंबर 14। हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म को कर लिया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रहता ही है, और एसआई में भी मिलेगा ही आपको, ठीक है। इसमें आप छठी शताब्दी में देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज का दे रखा है कि जो 16 जनपद हैं, वो जनपद, महाजनपद और उसकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। फिर हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री पे, जिसमें आज आपको पढ़ना है गुलाम वंश, पेज नंबर 28। ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा, उसकी स्थापना किसने की। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थापना किसने की या अंतिम शासक कौन था। रजिया सुल्तान भी इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सारे लोग शासक आपको गुलाम वंश में देखने को मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पे, जिसमें आज आप पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जो हमारा आज पहला पेज ही है, पेज नंबर 50। इसमें आप देखेंगे कौन सी कंपनी कब आई, किस देश की थी, स्थापना कब हुआ, और वीवीआई है आपका भारत में प्रथम फैक्ट्री। फिर आप इसमें, इस पेज में ये भी दे रखा है कि विभिन्न देशों के खोज करता, जैसे भारत देश की खोज किसने की तो वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज किसने की तो कोलंबस, ये आप इस पेज में देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स में आज आपको पढ़ना है नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो है आपका पेज नंबर 21-24। इसमें आपको गणना के बारे में पढ़ना है कि जैसे बाघ की जनगणना, बहुत सारी पर्यावरण के बारे में आपको इसमें अच्छे से डिटेल में टू द पॉइंट दे रखा है, ना ज़्यादा ना कम। और इसी में पेज नंबर 24 में भारत में आए चर्चित तूफान या चक्रवात के बारे में दे रखा है, तो किस माह में आए प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे, उसका नामकरण क्या था, ठीक है। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो मई 2021 का देखेंगे आज आप पेज नंबर 67-68। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है छिछोरे, तान्हाजी, द अनसंग वॉरियर, लक्ष्मी या लूडो। इसमें आप, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रहा होगा, और प्रैक्टिस सेट आप लोग पर डे एक ज़रूर बनाइए। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, या अगर आप मतलब न्यू स्टूडेंट है, तो इसके लिए आप सबसे पहले स्पार्क या यूनिका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। और या अगर आप बहुत ही अच्छा बुक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का रहता है, इसका डिस्कशन जरूर करें, तभी आपके मार्क्स में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।